नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एल्फ्यूजोसिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एल्फ्यूजोसिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एल्फ्यूजोसिन टैबलेट अल्फा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH भी कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब को थोड़ी देर भी न रोक पाना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब टपकना आदि लक्षण पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ने की वजह से पेशाब का आना पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। एल्फ्यूजोसिन टैबलेट पुरुषों में प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से पुरुषों को पेशाब करने में आसानी हो जाती है। एल्फ्यूजोसिन एक सॉल्ट नेम है। एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को फ्लोट्रान, अल्फू और अल्फुसीन आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एल्फ्यूजोसिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एल्फ्यूजोसिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर घूमने का आभास होना, बेहोश होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना आदि साइड इफेक्ट्स एल्फ्यूजोसिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर एल्फ्यूजोसिन 10 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एल्फ्यूजोसिन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि आपको एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं के लिए एल्फ्यूजोसिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, एंजाइना होने पर, ब्लड प्रेशर कम होने पर और एंटीफंगल व HIV की दवाओं के साथ एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना एल्फ्यूजोसिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एल्फ्यूजोसिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एल्फ्यूजोसिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एल्फ्यूजोसिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।